जितना बड़ा जमीन माफिया उतना बड़ा नेता, उतना बड़ा नेता का भतार और सैया। संजय जसवाल को थाना में जाने की औकात ही नहीं है, स्पीकर को औकात ही नहीं है, नीतीश कुमार को नालंदा में ही थपरा की। ये लोग हिजरे की फौज का जमात तैयार करके रखे हुए हैं। अपने अपने जात के अपराधी को सोसाइटी प्रोटेक्ट करती है, तो नेता को लगता है वोट आम आदमी से क्यों मांगने जाए, एक ही आदमी को काहे नहीं पकड़ लें कि ताकि वोट मिल जाए। तो जब आप अपराधियों को आइकॉन मानिएगा और समाज में स्थापित कीजिएगा तो नेता अपराधियों के खिलाफ बोलेगा, उसको तो वोट मिलता है। तो सोसाइटी अपने जाति, हर जात के लोग अपने अपने अपराधियों को ऊंची कुर्सी पर बैठाता है, तो समाज में वैसे लोग स्थापित हो गए। माफियाओं को बैठाता है, जो जितना बड़ा जमीन माफिया उतना बड़ा नेता, उतना बड़ा नेता का भतार और सैया। सबसे बड़ा दोषी तो सोसाइटी है, समाज को काहे नहीं बोलते हैं आप लोग। मर गया 19 साल का लड़का, आपको क्या लगता है कुछ होगा क्या? हम बेगूसराय में हर 2 दिन के बाद तो मर्डर में आते ही हैं, कौन सी ऐसी मर्डर है जिसमें हम नहीं आए, कौन ऐसा नरसंहार है जिसमें हम नहीं आए, लेकिन उसका आउटपुट क्या होता है? 2-3 बात याद रखिएगा। 5 लोगों का नाम दिया गया, 10 लोगों का पैसे लेके 4 लोगों का नाम हट जाएगा थाने से ही, 3 लोगों का नाम हट जाएगा, और यदि जिसको थाने को हटाना है उसका नाम पैसा लेके हटाएगा, कोई नए लोगों का नाम उसमें इन्वॉल्व कर देगा। ये नहीं, ये फर्स्ट, सेकेंड चार्जशीट नहीं जाएगा, थर्ड 302 के मुकदमे में उसको 3 महीना के पहले ही बेल मिल जाता है। तो इधर नेता है, इधर 3 महीना के पहले बेल है, और दूसरी तरफ थाना है। तो अपराध को, अपराधियों को जरा सा भी डर है क्या? ये हिम्मत आती कहां से है इन अपराधियों को? डर क्यों खत्म हो गया इनके भीतर? क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष का कंप्लीट एमएलए एमपी मंत्री इनके पैसे से, इनकी ही ताकत से अपने अपने जिले में चलते हैं। मंत्री बिना अपराधी के चलते हैं क्या? यहाँ के एमएलए एमपी बिना जात के अपराधी को प्रोटेक्टर दिए जाते हैं क्या? भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि हमारी थाना सुनता ही नहीं है, राधा मोहन सिंह अपने जात के अपराधियों को प्रोटेक्ट देगी, संजय जसवाल को थाना में जाने की औकात ही नहीं है, स्पीकर को औकात ही नहीं है, नीतीश कुमार को नालंदा में ही थपरा देता है, विपक्ष घर से निकलता नहीं है, और लगभग एमएलए एमपी बालू शराब जमीन के माफियाओं के साथ उसका पैसा लगा हुआ है। और पत्रकार जी, आप लोग करिएगा चमचागिरी सब, और हम लोग नेता का चमचागिरी करेंगे तो होगा क्या? कोरोना में लंदन भाग गए, सदन में विधायक को जब लात जूता से पीटा जा रहा था, यही मुख्यमंत्री और यही विपक्ष का नेता घर से नहीं निकला। तो जब सुरक्षित मंदिर में नहीं, औकात नहीं है इन लोगों की, ये लोग हिजरे की फौज का जमात तैयार करके रखे हुए हैं। अब पैदा भोड़ दीजिएगा हिजरे और मोग कायर को, आप उम्मीद करिएगा क्या? रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। 12 घंटे के बाद ये हत्या चुपचाप हो जाएगी, बस मां रोएगा, मां के अलावे कोई नहीं रोएगा, बीवी होती तो बीवी रोती, मैक्सिमम बहन, 2 दिन के बाद आंसू खत्म, सब फिर मुर्गा मटन शराब में। हम तो डेली मौत देखते हैं भाई, नहीं तो अपराध 12 बजे रात में दुनिया ना नाश कर दे तो क्या, अब कहां है? इन लोगों को जेल जाने की जरूरत नहीं है, सूट एंड साइड करके सीधा शमशान, हम जिस दिन आएंगे जेल में ढुक करके मरवा देंगे, एक भी अपराधी को जिंदा रहने नहीं देंगे। काउंटर जेल में ना कर दिए तो साले दोगला के पैदाइश हो गए, सोसाइटी को जीने कैसे नहीं देगा भाई? आम आदमी जिएगा कैसे? ताकतवर आदमी जीने के लिए पैदा हुआ है।